हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल वाला पालक पनीर की सब्जी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिक्सर का जार ले लेना है, उसमें डाल देना है पालक साफ पानी से धोने के बाद। इसके बाद इसमें ग्रीन मिर्ची डाल देंगे और फिर ढक्कन लगाकर इसको मिक्सर में एकदम अच्छे से पीस लेना है, ठीक है गाइस। इसके बाद वापस मिक्सर का जार ले लेना है, उसमें डाल देना है लहसुन और उसके बाद डाल देंगे ऑनियन। ऑनियन को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट करके डाल देना, ठीक है। इसके बाद इसमें डाल देंगे टोमेटो, तो टोमेटो को भी इसी तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट करके ही डाल देना है। ढक्कन लगाकर इसको भी मिक्सर में एकदम अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पर ले लेनी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देना है ऑयल। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, तो उसमें पनीर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देना है और 3 से 4 मिनट तक ऑयल में एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर इसको निकाल देंगे। अभी उसी सेम कढ़ाई में सेम ऑयल में यहाँ पर मैंने डाल दिया है राई, और राई डालने के बाद यहाँ पर मैंने प्यूरी डाल दिया, वो भी ऑनियन और टोमेटो वाली, ठीक है। प्यूरी डालने के बाद यहाँ पे अभी एक एक करके सारे मसाले डालेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डाल देना, जितना स्पाइसी चाहिए ना उस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, साथ में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगी पनीर मसाला। पनीर मसाला आपको मार्केट में एकदम इजिली मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही पनीर मसाला का यूज कर रही हूँ, ज्यादा यूज नहीं कर रही हूँ। मसाले मैंने सारे डाल दिए। इसके बाद इसको एकदम अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसमें डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद इसको एकदम अच्छे से वापस से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर यूज कर रही हूँ। आपको डालना रहेगा तो डाल सकते हो, नहीं तो ऑप्शनल है। ढक्कन लगाकर प्यूरी में ऑयल छूटे तब तक एकदम अच्छे से पका लेना है। तो देख सकते हो कितने अच्छे से ऑयल छूट गया ये प्यूरी में। तो इसके बाद यहाँ पर वापस पालक और ग्रीन मिर्ची को जो हम लोग ने पीस लिया था ना, वो पालक और ग्रीन मिर्ची इसमें ऐड कर देनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक्कन लगाकर पका लेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए गाइस, देख सकते हो। इसको इस बार एक बार इस तरह से चला लेना ताकि ये नीचे से जले नहीं, ठीक है। चला लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल दी थोड़ा सा मायोनीज। इससे जो पालक पनीर की सब्जी है ना, बहुत ही क्रीमी बनती है। तो एक बार आप भी ये वाली रेसिपी इस तरह से जरूर ट्राई करना, ठीक है। मायोनीज डालने के बाद इसको वापस से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक्कन लगाकर वापस से पका लेना है 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो गई है गाइज, एक बार इस तरह से चला लेना और ये ऑलमोस्ट हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया लास्ट में पनीर, और पनीर डालने के अच्छे बाद इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ढक्कन लगाकर इसको पका लेना है 3 मिनट के लिए। और 3 मिनट के बाद ये पालक पनीर की सब्जी बनकर रेडी भी हो गए। इसको गर्मा गर्म सर्व करें, रोटी के साथ, पूरी के साथ, या आपको जिसके साथ पसंद है उसके साथ सर्व करें और इंजॉय करें। तो इस तरह से पालक पनीर की सब्जी आप एक बार बनाओगे ना गाइस, तो बार बार बनाओगे। इतनी टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी से भी बन जाती है। तो एक बार जरूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी, फिर मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसी ही रेसिपी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करे। और इस तरह से आप बनाओगे ना पालक पनीर की सब्जी, तो बहुत ही क्रीमी और स्पाइसी बनती है, ठीक है गाइस। थैंक यू।